हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन परचम। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स। इम्पॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, स्टैटिक पोर्शन के एंगल से भी देख लिया और करंट अफेयर्स के एंगल से भी देख लिया। जो भी 2021-2022 के अंदर नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे वो सब हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल अवार्ड, सेम कहानी हमें इनके साथ करनी है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, उनके बारे में सब कुछ ब्रीफिंग लेंगे, प्लस करंट पोर्शन भी उनका 2021-2022 का कवर करते चलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोबेल प्राइज, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो सकता है डिस्टर्बेंस आए, लाइक आई एम टेलिंग यू वेरी मेनी टाइम्स कि कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रिनोवेशन चल रहा है ऑफिस का, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्लीज बेयर कर लीजिएगा। चलिए, सो नोबेल प्राइज के साथ में शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही यू नो वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स माना जाता है। किसके नाम पे या किसकी याद में ये प्राइज दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल सुना है, जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया, वही अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं एंड इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट के लिए फेमस हुए, उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 1901 में। नाउ कितनी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देर आर टोटल 6 फील्ड्स। कितनी फील्ड्स हैं? 6 हैं, जिनमें से 5 1901 में शुरुआत कर दी गई थी। इनकी कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, एक ही फील्ड कंसिडर की जाती है, लिटरेचर, पीस, और जो 6th है दैट इज इकोनॉमिक्स। इसकी शुरुआत हुई है 1969 के अंदर। ओके, जो इकोनॉमिक्स है वो 1969 के अंदर शुरुआत हुई। नाउ ये जो पहल थी इकोनॉमिक्स को ऐड करने की, थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग देख लो। 1968 के अंदर स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक था, स्वर्जिस रिक्स बैंक, उन्होंने फंडिंग स्टार्ट की इकोनॉमिक्स के फील्ड की भी, इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है जी, और ये जो प्राइज सेरेमनी है नोबेल प्राइज की एनुअली होती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट तो क्या, नोबेल प्राइज रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी 6 फील्ड्स हैं उन रिस्पेक्टिव फील्ड्स का सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है नोबेल प्राइज। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं यहां से कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक स्ट्रीम में 2 बार नोबेल प्राइज मिला हो, या यंगेस्ट पर्सन एक्सेट्रा। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, फ्रेडरिक सैंगर, क्वेश्चन एसएससी में देखा जा चुका है। फ्रेडरिक सैंगर इज द ओनली लॉरेट हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस। केमिस्ट्री के अंदर 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फ्रेडरिक सैंगर को। कौन कौन से सालों में मिला है? 1958 में इनको अकेले इंडिविजुअली मिला था, एंड 1988 में इन्होंने शेयर किया था दूसरों के साथ भी। ठीक है, सो फ्रेडरिक सैंगर, ही वाज सिंगिंग, मुझे 2 बार नोबेल प्राइज मिल रहा है केमिस्ट्री में, याद रखेंगे। फिर है लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग, ही इज दी ओनली पर्सन जिनको अवार्ड मिला है 2 बार नोबेल प्राइज अनशेयर्ड, यानी इंडिविजुअल से विनी को मिला है, इन्होंने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। सो द ओनली पर्सन हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस अनशेयर्ड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर अनशेयर्ड वर्ड आएगा तो आप लाइनस पॉलिंग मार्क करेंगे, और अदरवाइज केमिस्ट्री के लिए पूछा तो फ्रेडरिक सैंगर हो गए। 1954 में इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था, और 1962 में पीस कैटेगरी के अंदर जीता था। ठीक है, लाइनस पॉलिंग। देन 2014 में मलाला यूसुफजई, एंड शी बिकेम द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट, 17 ईयर्स की एज में इन्होंने पीस प्राइज लिया था नोबेल का। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, तो तीनों फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। और अब आ जाते हैं करंट पोर्शन पे, 2021 में जो नोबेल प्राइज अनाउंस हुए थे किस किस को मिले हैं, तो 6 कैटेगरीज के अंदर हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग विथ फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स में 3 पीपल शेयर्ड इट, स्यूकोरो मानाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड जॉर्जियो परिसी। ओके, कैसे याद रखेंगे, यही चैलेंज है बस, बिकॉज दीज नेम्स आर नॉट दैट फेमस। इंडियन कॉन्टेक्स के कोई नेम्स होते हैं तो फिर हमें पता होते हैं। सो फिजिक्स को कैसे कर सकते हैं? आई पर्सनली डू नॉट लाइक फिजिक्स बहुत ज़्यादा, मेरी मैथ कमज़ोर है, एवरीबडी नोज इट, और इसी वजह से जब 11th-12th में मैंने साइंस लिया था तो मेरी फिजिक्स थोड़ी कच्ची रहती थी, बिकॉज आई वॉज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट, आई वॉज मोर इन टू द लिटरेचर साइड। तो आप देख लीजिए, आप मुझे पिक्चर में देख लीजिए कि आपको कहा जा रहा है फिजिक्स में कुछ पढ़िए, अच्छा पढ़ेंगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा, तो या कुछ अच्छा काम करेंगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई बहुत हैजलिंग है, क्यों, कौन इतने इतने लंबे लंबे डेरिवेशन करेगा, बहुत हैजलिंग है, जियो और जीने दो, आप अपनी जो पढ़ना है पढ़ो, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, मुझे नहीं पढ़नी फिजिक्स।
ओके सो मैंने मना कर दिया फिजिक्स के लिए, नहीं भैया नहीं चाहिए नोबेल प्राइज, नहीं करना कुछ रिसर्च इसमें, नो मना कर दिया, हैजलिंग है बहुत, और जी और जीने तो आप अपना पढ़ लो, हमें रहने दो। तो मना से माना बे, सुगोरो माना बे क्लॉज, हैजल से हैजलमैन, और जियो जीने दो, जी और जियो परिसी। ओके कमिंग ओवर टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में टू पीपल शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 2021, बेंजामिन लिस एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। केमिस्ट्री देखा है, केमिस्ट्री लैब में 8, 9, 10 में भी सबने काम किया ही होगा, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स की लिस्ट होती है और उनको आपस में मिलाना होता है ना, इसमें ये डालो तो ये बनेगा, ये करोगे तो ऐसी स्मेल आएगी, ऐसे फ्यूम्स आएंगे, रिमेंबर राइट। सो केमिस्ट्री में एक लिस्ट होती है कि किसका किससे मिलान कीजिए तो क्या बनेगा। हाँ तो बस ये सीन देख लीजिए, लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट और मिलान मिलन या मिलान करने से तो मैकमिलन। ओके कमिंग ओवर टू मेडिसिन और फिजियोलॉजी, टू पीपल शेयर्ड इट, डेविड जूलियस एंड आदम पैटापोशन। आदम पैटापोशन कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर कोई इंसान मेडिसिन यानी हॉस्पिटल में पहुंचा दो, है ना, हमने पूछा डॉक्टर साहब कैसे हैं, बोले पता नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हमने बोला ओ हो क्या करें, इसकी आखिरी ख्वाहिश थी डीजे वाले बाबू का डांस करना है, तो डीजे वीजे बुलवा लें क्या करें, हाँ तो ये सीन ले सकते हो, नहीं तो डीजे वाले बाबू नहीं डालने सीन में। तो हमने बोला डॉक्टर साहब कैसे हैं, क्या लग रहा है, ठीक हो जाएंगे, बोले पता नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते, तो हम बोल रहे चलो जूस वूस पिला दें, ठीक है, तो जूस ले सकते हो या डीजे बजवा सकते हो फनी करना है तो, और पता नहीं तो करना ही है, तो पता नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पैटापोशन एंड जूलियस से जूस भी ले सकते हो या फिर डीजे, डीजे वाले बाबू। ओके सो डेविड जूलियस, मेडिसिन हो गया ये। कमिंग ओवर टू लिटरेचर, लिटरेचर में जो अनशेयर्ड कैटेगरी अवार्ड गया वो अब्दुल रजाक गुरना, अब्दुल रजाक गुरना। तो देखिए लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए, नहीं, लिटरेचर में भी अगर आप कुछ लिखते हो और कुछ रिलीजियस एंटी रिलीजियस या कुछ लिख देते हो तो कई कंट्री के हिसाब से गुनाह हो सकता है। ओके सो लिटरेचर में भी कई बार राइटर्स की राइटिंग को गुनाह करार दे दिया जाता है, तो गुरना गुनाह से आप लिटरेचर एसोसिएट करेंगे। नोबेल पीस प्राइज पे आते हैं, नोबेल पीस प्राइज, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव। फाइन तो अब देखिए हम बोलते हैं नोबेल पीस प्राइज है जिसने किसी को मारा कूटा नहीं हो आज तक, कोई नहीं मारिया, किसी ने किसी को नहीं मारिया हो, एंड मित्र बना के रखा हो सबको, या मित्र बनाने की बात जो इंसान करते हैं उन्हीं को नोबेल प्राइज मिलेगा। आई एम जस्ट गिविंग द हिंट्स टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट, ठीक है, तो किसी ने किसी को मारा ना हो, मित्र बना के सबको रखे हो, तो मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव। एंड लास्टली इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस शेयर्ड बिटवीन डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड ग्विडो डब्ल्यू इम्बेंस। कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहां से ले लो कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इकोनॉमिक्स है ना, मनी से रिलेटेड हिंट होगा हमारा। यहां से आप जोश ले सकते हो, हाज द जोश, या फिर जोशुआ, किसी जोशुआ को जानते हो, आई नो अ जोशुआ, एंड गाइडो से गाइड ले सकते हैं। सो एक जोशुआ, इफ यू नो एनी जोशुआ कैरेक्टर, आप ले सकते हो, किसी जोशुआ को गाइडेंस चाहिए थी कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसके ऊपर आप गाइडेंस दे रहे हो और इसी के लिए आपको नोबेल प्राइज मिल गया। अरे वाह, आपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड गाइडेंस दी है। सो आपने जोशुआ को गाइड किया है क्रेडिट कार्ड या कार्ड से रिलेटेड, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी गाइडेंस मिल चुकी है, एंड नाउ यू आर फुल ऑफ जोश, यस नाउ आई कैन यूज इट, और नोबेल प्राइज मिल गया आपको। सो नोबेल प्राइज थोड़ा सीन में डाल दीजिएगा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। सो आई रियली होप ये हिंट्स आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाएंगे, एंड इसी के साथ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट अवार्ड्स। कौन से हैं, एबल प्राइज, एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, सीधा सीधा सवाल बन सकता है कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है, आंसर इज मैथमेटिक्स, मैथ, फाइन, ओके। सो एनुअली दिया जाता है वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को, और द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसको प्रेजेंट या अवार्ड करती है। और किसके नाम पे एबल प्राइज रखा गया है, किसकी मेमोरी में, आफ्टर नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल, नॉर्वे के बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं ऑफ ऑल द टाइम्स, राइट। एंड ये बेसिकली क्यों शुरू किया गया था, थोड़ा सा इसके पीछे देख लीजिए, जब हम नोबेल प्राइज अभी पढ़ रहे थे उसमें मैथ्स की फील्ड की कोई जगह नहीं है, ना है ना, तो इसीलिए एक एबल प्राइज जैसा एक कॉन्सेप्ट लाया गया, और इसको इसका इंटेंशन यही था कि एक ऐसा इक्विवेलेंट प्राइज बनाया जाए जो कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहलाए, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कौन सा अवार्ड कहलाता है, दैट विल बी एबल प्राइज। सो फार सो गुड, फाइन। अब सबसे पहले किसको मिला, रिसेंटली किसको मिला, ये देख लेते हैं।
इबेल प्राइज लॉरियट 2003 में फर्स्ट एडिशन 2003 के अंदर दिया गया, और सबसे पहले किनको मिला? पियरे सेरे, जेन पियरे सेरे। सो नाम ही बहुत अच्छा है ना, पियरे सेरे। हाँ चलिए ओके। फिर 2021 की बात करते हैं, आवी विग्डर्सन एंड लाजलो लोवाज, इनको मिला है 2021 के अंदर एबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए। तो आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, मैथ बहुत अच्छी हो? जैसे मैं जानती हूँ दिलीप सर, ही इज वेरी क्विक ऑन नंबर्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आप उनके सामने कोई चैलेंज थ्रो कर दो, फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर भी, फॉर दैट मैटर छोटी सी है, लेकिन उसको आप बोल दो कि मैथ करनी हो, यस मुझे सम्स दे दो, अभी लो मैं करके दिखाती हूँ। सो ये अभी लो वाली टेंडेंसी किन लोगों में होती है? जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती है। मैथ के सम वही ऐसे बोलेंगे ना, अभी लो, अभी करके दिखाते हैं। तो बस मैथमेटिक्स में एबेल प्राइज में अभी लो करके दिखाते हैं। आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दो, तो अवी विग्डर्सन एंड लाजलो लोवाज, लो इधर भी लो, ये हिंट आई हैव होप काम कर जाएगा। इंडियन, एक ऐसे इंडियन जिनको एबेल प्राइज मिल चुका है, एक्चुअली इंडियन तो क्या, इंडियन अमेरिकन है, इंडियन ओरिजिन, इंडियन अमेरिकन नेशनल है, इंडियन रूट्स एंड अमेरिकन नेशनल, लेट अस टेक इट लाइक दैट। एस आर श्रीनिवास वर्धन इज एन इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनको एबेल प्राइज 2007 में मिला था। ठीक है, तो क्योंकि इंडियन रूट से कहीं ना कहीं, इसलिए ये एक नाम भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग ओवर टू द फील्ड ऑफ ऑस्कर्स यानी सिनेमा। सो ऑस्कर्स जिसे अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अकेडमी अवार्ड्स को पॉपुलरली ऑस्कर्स कहा जाता है। आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट, जो फिल्म इंडस्ट्री में हो, आप या तो परफॉर्म कर रहे हो या फिर कुछ टेक्निकल टीम में हो, तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेलेंस है, सिनेमैटिक अचीवमेंट है, सिनेमा की जगत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। ओके, देता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है या बॉडी है जो ये प्रेजेंट करती है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, एमपैस, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ये देती है। एंड ये बनी थी 1927 के अंदर। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई। अब हम देखते हैं सबसे पहले अकेडमी अवार्ड यानी जो ऑस्कर्स दिए गए थे, वो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में कौन कौन, किस किस को दिए गए थे। सो फर्स्ट अकेडमी अवार्ड सेरेमनी कब हुई थी? 16 मई 1929 को फर्स्ट सेरेमनी हुई ऑस्कर्स की। कहाँ हुई, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट रहेगा, रूजवेल्ट होटल ब्लॉसम रूम, 270 अटेंडीज रहे थे। किस किस को पहला ऑस्कर मिला, इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं बस। एक्टर एमिल जैनिंग्स, द लास्ट कमांड मूवी के लिए एमिल जैनिंग्स को बेस्ट एक्टर। देन बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी, जैनेट गेनोर सेवेंथ हेवन के लिए। एंड बेस्ट पिक्चर विंग्स। तो ये तीन कैटेगरीज थोड़ा दिमाग में रखेंगे। और अब हम आते हैं 93rd अकेडमी अवार्ड जो कि 2021 के अंदर दिए गए। ठीक है, कहाँ रहा वेन्यू? यूनियन स्टेशन लॉस एंजलिस एंड डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर। ठीक है जी, अब जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हमने देख ली, एक्टर इन लीडिंग रोल यानी बेस्ट एक्टर, अगर आप सिंपल शब्दों में कहें, एंथनी हॉपकिंस, मूवी कौन सी थी? द फादर। ये मूवीज कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा, ऑस्कर जीता है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा इनमें। सो द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस। एंथनी अमर अकबर, एंथनी में एंथनी का रोल किया था ना, अमिताभ बच्चन ने फादर बने थे, तो उससे चाहे तो हिंट ले लीजिएगा। देन एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, द नोमैडलैंड के लिए। नोमैडलैंड जो मूवी है, इसने काफ़ी सारे ऑस्कर्स लिए। सो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। सो आप देख सकते हो नोमैडलैंड क्या होता है, नोमैड्स जो होते हैं, है ना, घुमंतु से रिलेटेड, थोड़ा सा आप एसोसिएट करके याद कर लीजिएगा। देन बेस्ट डायरेक्टर क्लोई झाओ, नोमैडलैंड के लिए ही। देन बेस्ट पिक्चर भी नोमैडलैंड को मिला, यानी बेस्ट मूवी। एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल, एनिमेटेड कार्टून, एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल। एंड इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो इंटरनेशनल कैटेगरी में नॉमिनेट होकर के आती है, अनदर राउंड, वेरी गुड मूवी, आई हैव सीन इट, अनदर राउंड। ठीक है, तो अधिकतर चीजें नोमैडलैंड से रिलेटेड हैं, और बाकी द फादर है, अनदर राउंड है और सोल है। अब इंडियन कनेक्शन जो ऑस्कर्स का है, यानी कि इंडियंस जिन्होंने ऑस्कर्स जीते हों पहले या अभी कोई नॉमिनेशंस हुए हों रिसेंटली, वो सब देखते हैं। सो द फर्स्ट पर्सन टू विन अकेडमी अवार्ड या द ऑस्कर्स वॉज भानु अथैया। ये मैंने आपसे यूट्यूब शॉर्ट में भी एक बार बताया था। सो भानु अथैया, शी वन द 55th
अकेडमी अवार्ड्स इन 1983 गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी के अंदर. गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी, फॉर विच शी वन द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन 1983. देन सत्यजीत रे साहब. ओके, सत्यजीत रे जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया था. सो द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि ऑस्कर्स देती है, अवार्डेड सत्यजीत रे ऑनररी अवार्ड इन 1992 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. देन मूविंग फर्दर, एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसने ऑस्कर्स में काफी सारे अवार्ड जीते थे. इंडियन डायरेक्टर नहीं थे लेकिन इंडियन कनेक्शन जरूर उस मूवी के साथ थे. सो 81st अकेडमी अवार्ड जो 2009 के अंदर हुए थे उसमें स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी ने कुछ अवार्ड जीते थे. पहला था ओरिजिनल स्कोर के लिए, जो म्यूजिक ट्रैक होता है ओरिजिनल स्कोर, A.R. रहमान जी ने ओरिजिनल म्यूजिकल स्कोर के लिए इसमें ऑस्कर जीता था. देन जय हो सॉन्ग जो है, जय हो सॉन्ग स्लमडॉग मिलियनेयर का, उस सॉन्ग ने म्यूजिक A.R. रहमान साहब और जो लिरिक्स गुलजार साहब ने दिए थे, इस सॉन्ग ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के अंदर अवार्ड जीता था. एंड रसल पुकुटी अलॉन्ग विथ इयान टैप एंड रिचर्ड पार्क, उन्होंने साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड जीता था. सो बेसिकली तीन अवार्ड्स इस मूवी को मिले थे, जो कि ऑफकोर्स इंडियन ने नहीं बनाई थी बट इंडियन कनेक्शंस वर देयर, और इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए. अब हम आते हैं ऑस्कर से रिलेटेड कुछ इंडियन मूवीज के फैक्ट्स पे. तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए, फाइनल राउंड तक पहुंची है और ऑस्कर्स 2022 के लिए ये नॉमिनेट हुई है. सो इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, ये हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, राइटिंग विद फायर इज नॉमिनेटेड फॉर अकेडमी अवार्ड्स 2022 एंड इट हैज मेड टू द फाइनल्स. ओके, और फिर इसके डायरेक्टर्स कौन है, रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष. इसमें स्टोरी बताई जाती है एक ऐसी जर्नलिस्ट, एक न्यूज़पेपर की खबर लहरिया जिसको हम कहते हैं, जो कि सिर्फ रूरल विमेन चलाती थी. ओके, सो देन ये तो बात हुई इसकी. इसके अलावा अगर हम देखें कि अभी तक कितनी इंडियन मूवीज़ हैं जो कि नॉमिनेट हो चुकी हैं ऑस्कर्स के अंदर, सो देर हैव बीन 3 मूवीज़. ये डॉक्यूमेंट्री हटा दीजिए, दिस डिफरेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर फिल्म जो होती हैं, सो 3 फीचर फिल्म सो फार हैव बीन नॉमिनेटेड. सबसे पहली है मदर इंडिया 1957 में नॉमिनेट हुई थी, देन सलाम बॉम्बे 1988 में एंड लगान 2001 में. ओनली 3 मूवीज हैव बीन नॉमिनेटेड सो फार. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्कर्स. मूविंग ओवर टू अनदर वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, पुलित्जर प्राइज. ये यूनाइटेड स्टेट्स से ही जुड़े हुए अवार्ड्स हैं और इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है. 1917 से इनकी शुरुआत हुई और जो विल था, यानी जो वसीहत थी जोसेफ पुलित्जर की, उसी के अंदर प्रोविजंस करके अवार्ड स्टार्ट किए गए, यानी कि इन्हीं की संपत्ति अवार्ड मनी के तौर पे दी जाती है. और टोटल 22 कैटेगरीज के अंदर पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, जर्नलिज्म बीइंग वन, है ना. अब बहुत सारी कैटेगरीज हैं आर्ट से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड. सो आर्ट जर्नलिज्म के अंदर 22 फर्दर कैटेगरीज हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के ही रिलेटेड ये अवार्ड्स हैं. यहाँ तक बात क्लियर है. अब 2021 के पुलित्जर प्राइज की बात करें, सो पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में किसने अवार्ड जीता पुलित्जर प्राइज, न्यूयॉर्क टाइम्स, विच इज अ न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता. देन उसके बाद अगर हम जर्नलिज्म के अंदर देखें, सो मेघा राजगोपालन जो बज फीड न्यूज से जुड़ी हुई हैं उन और इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैं, शी अलॉन्ग विथ 2 मोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है. 2021 का कैटेगरी रही इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल इशू या किसी इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर रिपोर्ट करने की वजह से इनको पुलित्जर प्राइज मिला, मेघा राजगोपालन. और इन्होंने जो जिनशियांग प्रोविंस है चाइना का, उसमें जो वीगर मुस्लिम्स के डिटेनिंग कैंप्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ एक तरह से जीनोसाइड चल रहा है चाइना की तरफ से ऑन वीगर मुस्लिम्स, तो उसको इन्होंने रिपोर्ट किया था. देन लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी के अंदर नील बेदी, जो कि टैंपा बे टाइम्स से जुड़े हुए हैं, उनको ये अवार्ड मिला है अलॉन्ग विद 1 मोर कॉन्ट्रीब्यूटर. ठीक है, सो पुलित्जर प्राइज ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे. मूविंग ओवर टू मैग्सेसे अवार्ड्स चलते हैं. सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, प्रॉपर इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एनुअल अवार्ड्स है. फिलिपीन के प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे
जिस तरह के उन्होंने अपनी एक इंटेग्रिटी वाली वैल्यूज दिखाई, सर्विस, गवर्नेंस जिस तरह से उन्होंने की जब व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, जो करेजियस सर्विस उन्होंने की, जो आइडियलिज्म और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को विजन करते थे, तो उन्हीं के आइडियल्स को लेते हुए जो भी लोग इस तरह का काम प्रदर्शित करते हैं उनको मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. ओके, और एशियंस, द फाउंडेशन गिव्स द प्राइज टू एशियंस अचीविंग एक्सेलेंस इन देयर फील्ड. सो ऐसी कोई भी फील्ड हो, वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, लीडरशिप हो, जर्नलिज्म हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी पहले बहुत सारी फील्ड्स थी, उनमें से काफ़ी सारी ड्रॉप आउट कर दी गई हैं और अब दो ही फील्ड्स हैं जिनमें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है. एक तो एमर्जेंट लीडरशिप है यानी लीडरशिप के कैटेगरी में, और एक अनकैटेगराइज है, एज सच कोई कैटेगरी इन पर्टिकुलर में नहीं दिए जाते हैं. ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट बात है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स एशियंस के लिए हैं, नंबर वन. देन अप्रैल 1957 के अंदर स्टार्ट किए गए थे, लेकिन पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 के अंदर दिया गया था. एंड लाइक आई वॉज टेलिंग यू, सिक्स कैटेगरीज हुआ करती थी इसमें, राइट, जिनमें से फाइव ड्रॉप कर दी गई थी. फाइव कैटेगरी 2009 से डिसकंटिन्यू कर दी गई, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेटिव आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये ड्रॉप कर दी गई. अब एमर्जेंट लीडरशिप और अनकैटेगराइज चल रही हैं. नाउ अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो एडिशन था और जो अभी रिसेंट मोस्ट एडिशन है उनमें किन किन को अवार्ड्स मिले हैं. 1958 जो फर्स्ट एडिशन ऑफ अवार्ड्स था उसमें छः लोगों को फ्रॉम फाइव कंट्रीज, तो फाइव कंट्री के लोगों को ये अवार्ड मिले थे, जिसमें इंडिया के विनोबा भावे जी को भी ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था. तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. इसके अलावा फिलीपींस से दो, सो रॉबर्ट डिक एंड ऑपरेशन ब्रदरहुड, सो एक ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है. एंड इंडोनेशिया से मुख्तार ल्यूबिस, श्रीलंका से मैरी रत्नम एंड चाइना से चैंग मॉन ली, इंडिया वाला कनेक्शन फर्स्ट अवार्ड के कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं 2021 के अवार्डीज, रीसेंट मोस्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन कौन सी कंट्रीज के इंडिविजुअल्स को मिले हैं या ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं. सो इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया एंड पाकिस्तान. ओके, सो इंडोनेशिया से वॉच डॉग मीडिया मंदिरी, फिलीपींस से रॉबर्टो बैलिन, बांग्लादेश से फिरदौसी कादरी, साउथ ईस्ट एशिया से स्टीवन म्यूनसी एंड पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब, ये सब रीसेंट मोस्ट मैग्सेसे अवार्ड विनर्स रहे हैं. ऑलराइट, फिर हम आगे चलते हैं फर्दर और उन इंडियंस को भी देख लेते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है ना. काफ़ी सारे इंडियन लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, वो देख लेते हैं. फर्स्ट इंडियन जिनको रेमन मैग्सेसे मिला, हमने अभी देखा ही था, विनोबा भावे 1958 में फर्स्ट एडिशन में मिला था. ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन फीमेल टू विन द अवार्ड, इंडियन सिटीजन हो और फीमेल हो, सो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा 1962. मदर टेरेसा वैसे इंडियन नहीं थी, पर इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट की थी बाद में, सो दैट इज वाई फर्स्ट इंडियन सिटीजन फीमेल जिनको रेमन मैग्सेसे मिला हो, मदर टेरेसा 1962. फर्स्ट इंडियन फीमेल, अब यहाँ सिटीजन की बात नहीं की गई है, बॉर्न ब्रॉट अप या जिनका रूट्स या ओरिजिन इंडिया रहा हो. सो फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन द अवार्ड 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मदर टेरेसा 1962, बट शी वॉज दी इंडियन सिटीजन फीमेल, शी वॉज नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, बट देन इन केस ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय शी वॉज अ इंडियन बाय बर्थ या बाय ओरिजिन ऑल्सो. देन रवीश कुमार जो कि एक पॉपुलर फेस हैं, उनको 2019 के अंदर, सो थोड़ा रीसेंट मोस्ट हो गया, सो रिसेंटली रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था. जर्नलिज्म की कैटेगरी में आप ये चेहरा देखते रहते हैं. ठीक है जी, सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज क्लियर. मूविंग ओवर टू बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, और बुकर प्राइज राइटिंग के लिए, लिटरेचर कैटेगरी अब हम आ चुके हैं, लिटरेरी अवार्ड. सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहा जाता था, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, यूनाइटेड किंगडम होस्ट करता है इसको. ऑलराइट, देन हर साल ये दिए जाते हैं बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर को, जो कि इंग्लिश में या तो लिखी गई हो या फिर ट्रांसलेटेड हो, है ना, और पब्लिश की गई हो यूके या आयरलैंड के अंदर. आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी, अपनी जिस भी आप कंट्री में रहते हो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में भी लिखा हो, लेकिन अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए तो इट विल बी कंसिडर्ड, बट इट शुड बी, मस्ट बी पब्लिश्ड आइदर इन यूके और आयरलैंड, तो ही कंसिडर की जाती है. फाइन, सो 2021 के विनर कौन रहे, ये हमने करंट अफेयर्स में भी पहले किया है. एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक,
है ना. सो जो हम भेदभाव करते हैं वो सब उससे रिलेटेड कुछ थीम है इसकी. एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एंड इट इज रिटन बाय डेविड डायोप. डेविड डायोप, तो देखो डाई आ रहा है ना और ब्लैक है कलर है, सो कलर ब्लैक कलर की डाई. सो डेविड डायोप आपको याद रहेगा. और ट्रांसलेट इसको की थी एना मॉस्कोवाकिस, मॉस्कोवाकिस, ओके. एंड पुश्किन प्रेस हैज पब्लिश दिस बुक. पब्लिशर भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बुकर प्राइज मिला है, कमॉन. सो ठीक है. देन कमिंग ओवर टू वर्ल्ड फूड प्राइज. वर्ल्ड फूड प्राइज इंपॉर्टेंट है. क्या है वर्ल्ड फूड प्राइज, पहले ये समझ लीजिए. इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि रिकॉग्नाइज करता है अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल जिन्होंने फूड क्वालिटी, क्वांटिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड के इससे रिलेटेड कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, फूड की कमी नहीं हो, बेटर क्वालिटी हो, हर जगह मिले. सो कुछ भी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में एडवांसमेंट इन्होंने किया है फूड रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो ये दिया जाता है 1987 से इसकी शुरुआत हो गई थी. ना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है वर्ल्ड फूड प्राइज, फाउंडेशन. और बहुत सारी स्पॉन्सर कंपनीज हैं जो इसको स्पॉन्सर करती हैं. 2021 की विनर की अगर हम बात करें, डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थर्लस्टेड. डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थर्लस्टेड, शी इज द फर्स्ट एशियन एंसेस्ट्री वुमन टू विन दिस प्राइज. एशियन एंसेस्ट्री है इनकी, ये इंडियन नेशनल नहीं है पर इनकी एंसेस्ट्री रही है, पिछली कुछ पीढ़ियाँ हिंदुस्तान से जुड़ी हुई रही हैं. अदरवाइज शी इज अ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड डेनमार्क की इनके पास सिटीजनशिप है. ठीक है जी. सो इंडियन नेम है, याद रहेगा हड़क सिंह के. तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, लेकिन ये हड़क सिंह है. सो हिंट याद रह सकता है. चलिए फिर हम आते हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड, एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड. गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 की हम बात करेंगे. गोल्डन पिकॉक नाम से समझ में आ रहा है एनवायरमेंट मैनेजमेंट. सो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये दिया, ये पहले तो कौन देता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट फाउंडेशन देती है, 1998 से दे रही है. कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है जो कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंसेस अपनी इंप्रूव करते जा रहे हैं, कार्बन एमिशन कम हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो रहे हैं, या वाटर मैनेजमेंट बेटर कर रहे हैं, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड बेटर प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं कॉर्पोरेट्स, उनको दिया जाता है गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड. ओके. एंड कंसेक्यूटिवली 3 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसको जीत रही है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल. और इन्होंने जो भी मेजर्स लिए हैं जैसे कि अपने पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज बेटर की हैं, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ाए हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज किया है ना, इको फ्रेंडली मेजर्स, सॉइल रिस्टोरेशन मेजर्स, ये सारे करने के चलते इनको ये अवार्ड मिला है कंसेक्टिवली 3rd time. देन कमिंग ओवर टू पीटा. पीटा इज वॉट, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पेटा या पीटा बोलते हैं, जो कि एनिमल के ऊपर क्रुएलिटी नहीं हो, उनके साथ ढंग का बिहेवियर किया जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है. एंड अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन ये एक है. अब ये हर साल कोई ना कोई अवार्ड्स अनाउंस करती है. सो इंडियन पीटा जो है, पीटा इंडियन विंग जो है, उसके अवार्ड्स देख लेते हैं. पीटा प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड 2021 का दिया गया, प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि लेदर अगर आप यूज़ करते हैं तो लेदर को किसी न किसी एनिमल की स्किन से बनाया जाता है. सो एनिमल्स को यूज़ करके न बनाया जाने वाला लेदर बनाने की तरफ एक कम्युनिटी या पूरे एरिया को एनकरेज करने के लिए मेघालय के जेम्स संगमा, जो कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं मेघालय के, जेम्स संगमा, इन्होंने वीगन पाइनएप्पल लेदर प्रमोट किया है कि पाइनएप्पल से भी हम वीगन लेदर बना सकते हैं. और इसके चलते पीटा ने इनको प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड 2021 दिया. ठीक है. पर्सन ऑफ द ईयर हर साल अनाउंस करता है पीटा. सो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 पीटा इंडिया ने आलिया भट्ट को अनाउंस किया है. ठीक है जी. चलिए फिर हम आते हैं लेजेंड ऑफ मेरिट. अब देखो लेजेंड ऑफ मेरिट जो है वो अभी हाल ही में ये भी दिया जाता है. क्या है लेजेंड ऑफ मेरिट, कभी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड, दैट इज व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड हियर. इट इज अ मिलिट्री अवार्ड. नंबर वन कौन सी कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है. यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस देती है लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड है. एक्सेप्शनल मेरिटोरियस कंडक्ट इन दी परफॉर्मेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एंड अचीवमेंट. सो किसी भी देश के किसी पॉपुलर, ऑफकोर्स किसी एमिनेंट पर्सन को ही ये दिया जाएगा जिनका मेरिटोरियस कंडक्ट रहा है आउटस्टैंडिंग सर्विस एट्सेट्रा में. सो 2020 के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड USA मिला था, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड के आप जान लीजिए. और इनको क्यों मिला था, हिज लीडरशिप इन एलिवेटिंग US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो US का अवार्ड है, सो US से रिलेटेड जो भी कुछ
यू नो इंटरनेशनल रिलेशन जिनके भी स्ट्रांग रहेंगे और वहाँ का कोई एमिनेंट पर्सन होगा, यूजुअली दी प्रोमिनेंट पोजिशंस, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है. देन लास्टली कमिंग ओवर टू यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स. यूनेस्को देता है ये एशिया पैसिफिक अवार्ड्स हैं. 2021 के अवार्ड की बात करते हैं. 2021 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट को. निजामुद्दीन बस्ती है पूरी और उस पूरे बस्ती एरिया और वहाँ जो भी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके रिवाइवल के प्रोजेक्ट को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया. होलिस्टिक अर्बन रिवाइटलाइजेशन हिस्टोरिक निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी जो है न्यू दिल्ली की, उसके लिए मिला है. एंड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021, ये बेसिकली कल्चरल हेरिटेज है पूरा एरिया और उसका आप कंजर्वेशन कर रहे हो, उस पर जो एफर्ट्स डाल रहे हो उसके लिए अवार्ड दिया गया है. और ये दो कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है. बहुत सारी कैटेगरीज होती है एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में. दो कैटेगरी में निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सो दीज टू कैटेगरीज हैव वन द अवार्ड. नाउ समथिंग अबाउट निजामुद्दीन बस्ती. सो जो भी सेटलमेंट है, नोटेड सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब का टूम्ब है उसके आसपास जो भी सेटलमेंट्स हैं और उनको निजामुद्दीन बस्ती कहा जाता है, हजरत निजामुद्दीन बस्ती. और ये कहाँ बसी हुई है, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है और यहीं पे ये सारे कंजर्वेशन एंड रिवाइटलाइजेशन के काम चल रहे हैं जिसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2021 दिया गया है. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कैटेगरी अवार्ड्स थे जो हमें लगा आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में सवाल बन सकता है, सो वो सब हमने कवर करने की कोशिश की. आई रियली होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड वील Keep this information intact in your brains. चलिए जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्टडिंग स्ट्रेस फ्री. बाय.